एक समय की बात है, घने जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिंकी था। चिंकी बड़ी चुलबुली थी और पूरे जंगल में घूम घूम कर नई नई चीजें सीखना पसंद करती थी। एक दिन वह अपनी जिज्ञासा से खींची खींची जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास जा पहुंची। उसे बताया गया था कि इस पेड़ में एक बुद्धिमान उल्लू रहता है जो सारी दुनिया की कहानियां जानता है। चिंकी ने हिम्मत करके उल्लू से पूछा, बुद्धिमान उल्लू, कृपया मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो मैंने पहले कभी न सुनी हो। उल्लू ने चिंकी की बढ़ी बढ़ी आंखों में चमक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें जंगल के राजा शेर शेरू की कहानी सुनाता हूँ। शेरू कभी बहुत घमंडी हुआ करता था। उसे अपनी ताकत पर इतना अभिमान था कि वह जंगल के दूसरे जानवरों को छोटा समझता था। एक दिन शेरू शिकार के लिए निकला। जंगल की गहराई में जाने के बाद उसे अपने जाल में एक छोटा खरगोश फंसा हुआ मिला। घमंड में अंधा शेरू ने गुर्राहते हुए कहा, तुझे आज अपनी दयनीय जिंदगी का अंत दिखाऊंगा। पर तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, रुको शेरू, इस छोटे से खरगोश को छोड़ दो। शेरू ने गुस्से में देखा तो पाया कि आवाज जमीन में छिपे हुए एक छोटे से बदमाश का है। शेरू हंस पड़ा और बोला, तू मुझे क्या आदेश देगा छोटे से जीव, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। बदमाश ने कहा, अगर तू सच्चा राजा है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कर। इस मासूम खरगोश को छोड़ दे और किसी कमजोर के जीवन को मत छीन। शेरू थोड़ा चौंका, उसने कभी किसी को इस तरह से बात करते नहीं सुना था। बदमाश की बातों में सच्चाई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जंगल की रक्षा करने के लिए है। उसने खरगोश को छोड़ दिया और बदमाश के साथ जंगल के दुश्मनों से लड़ने लगा। चिंकी कहानी सुनकर बड़ी खुश हुई। उसने सीखा कि असली ताकत किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। उसने उल्लू का धन्यवाद किया और अपनी नई सीख लेकर हवा में उड़ गई, पूरे जंगल में घूमते हुए यह कहानी सुनाने के लिए तैयार। इस तरह चिंकी जंगल की नन्ही सी चिड़िया ने एक बड़ी सीख सीखी।